हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों के लिए एक जनरल अवेयरनेस का पैटर्न होता है, ऐसे ही इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के से शेयर करने वाला हूँ, जिस पर हम बात करेंगे और अपडेट भी यहाँ पर साथ में लेते चलेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग का आज का सेशन हम स्टार्ट कर लें। जैसा कि इस स्लाइड पर मैं बता दूँ, अन अकेडमी के साथ आप लोग कनेक्ट हैं और अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, इस खूबसूरत चैनल के माध्यम से हम लोग फ्री क्लासेस कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट रहना है और बहुत सारे अपडेट्स यहाँ से लेने हैं। मैं बता दूं आपको, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं या फिर आपके कोई मित्र हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोड की मदद से भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं और इस कोड की मदद से अन अकेडमी के एप्लीकेशन पे किसी भी टीचर्स के फ्री क्लासेस को आप फ्री में अनलॉक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस कार्ड इस जो कोड को आप लोग काफ़ी अच्छे से कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ आपका मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स जो हैं आप लोगों को कनेक्ट रहने हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कोर्स में आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस कोड को यूज़ कीजिएगा। अगर मैं बता दूं अपना परिचय, तो खास तौर पे कुछ और भी बातें यहाँ पे तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा परिचय होना चाहिए। तो जैसा कि मैं बता दूँ कि हरीश कुमार मेरा नाम है दोस्तों, और एज ए 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बैंक एजुकेटर्स के तौर पे मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ। एज ए मेरा कैरियर काउंसलर भी जॉब रहा है। अन अकेडमी के स्पेशल फीचर से जुड़े रहने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन अकेडमी के एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, जहाँ से डेली लाइव क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस भी होती हैं और पेड वर्जन की क्लासेस भी होती हैं, जो टोटली लाइव क्लासेस होती है दोस्तों, लाइव टेस्ट और क्विजेस से भी जुड़ी रहनी है, स्ट्रक्चर कोर्स भी है और अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि अन अकेडमी के एप्लीकेशन यदि आपके पास है तो स्पेशल क्लासेस के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नाम है हरीश कुमार और बैंकिंग कैटेगरी में आप मुझसे कनेक्ट होकर अपनी तैयारी को और भी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मुझे फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद अगर कोई समस्या है तो आप मुझे यहाँ से मैसेज भी कर पाएंगे। एच के 2020 इसी कोड की बात मैं पूरे सेशन के दौरान करता हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड है जो आपको ध्यान रखनी है, एच के 2020। इसी से आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं और बहुत सारी फैसिलिटी भी यहीं से मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल हमारा है जहाँ से आप लोगों को कनेक्ट हो जाना है। वाईफाई स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और साथ में जो स्पेशल जो ऑफर चल रहा है यहाँ से भी कनेक्ट हो जाइए। अगर 2 मंथ का अगर जो है सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। यदि 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 4 मंथ का जो है फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस कोड की यूज़ करनी है और साथ में यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलने वाला है अन अकेडमी के फीस स्ट्रक्चर पर। और टॉप एजुकेटर्स की बैचेस अगर हम बात करें इसकी, तो ये अपडेट हो चुकी है, टॉप एजुकेटर्स की बैच आ चुकी है। हर मंथ ऐसे ही टॉप एजुकेटर्स की बैचेस यहाँ पे आती है और इसमें ऑलरेडी मैं भी कनेक्ट हूँ, मेरी भी 10 लेसन की क्लास आ रही है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में मैं बता दूँ बेस्ट एजुकेटर्स की टीम पूरी इंडिया से यहाँ पे कनेक्ट हैं। यहाँ से एक्सेलेरेटर बैच, रणविजय बैच, साथ में 2 लाइनअप बैचेस यहाँ पे आपको दिख रही हैं। इन्हें यहाँ पर 3 बैचेस और भी यहाँ पे अपडेट की गई है जहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। लास्ट में एवीपी टीम द्वारा जो है एक बैच आई हुई है आईबीपीएस का, जो कि 12 अप्रैल से अपडेट है, यहाँ से भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। एनएन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कनेक्ट होना चाहिए। स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए दोस्तों, जहाँ से ज़्यादा स्कोर करने पर आपको यहाँ पर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री में भी मिल सकता है। ये आपके स्कोर पर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर कैसी छूट मिलने वाली है, इसलिए ज़्यादा से अच्छे इस टेस्ट को दीजिएगा। टोटली ये फ्री है और इसके लिए क्या करना है, तो फिर वही बात है, इस कोड के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, इस कोड को लगा के इनरोल कर लीजिएगा और इस टेस्ट को आप फ्री में दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध है, किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। फटाफट मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान भी थोड़ा समझ लें। 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान की जो फीस है वो आप देख पा रहे हैं 6,500 और 2 साल की 7,800। लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने के पहले आपको इस कोड को यूज़ कर लेना है कि जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने हैं।
एनएन फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे तो ऑलरेडी रहती है, जहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट रहना है और फ्री की चीजें यहाँ पे बिल्कुल लेनी। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस को मैं अगर डिक्टेट कर दूँ, मैं तो बता दूँ आपको, करंट अफेयर्स का सिलेबस, स्टेटी जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी यहाँ पर पोर्शन आपको टोटली जनरल अवेयरनेस के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, जो कि बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में करंट अफेयर्स के लिए जो है, आप पूरी तरह से इस सारे सब टाइटल्स का अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि इसी सब टाइटल्स से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े दोस्तों यहाँ से, तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो कुछ इस हिसाब से अपडेट है कि हमने यहाँ पर रिसेंटली अभी 2-3 दिनों के अंतराल वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैंने शामिल किया है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, जहाँ से आपको कुछ समय भी दूंगा, आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग आंसर दे पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, ऑन विच डेट इंटरनेशनल नो डाइट डे इज ऑब्जर्व। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताना चाहें तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर को आप लोगों को मैं बताते चलते चलूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि शुरुआती क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जितने भी यहाँ पे लाइव आएंगे सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग, और यहाँ पे आप लोग कनेक्ट रहिएगा। लेकिन चूंकि समय काफी ज्यादा हो गया, इसलिए हम जल्दी से जल्दी अपडेट यहाँ पर लेंगे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है आज आप लोगों का, इंटरनेशनल नो डाइट डे की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इंटरनेशनल नो डाइट की जब बात करेंगे, ऑब्जर्व ऑन 6 मई, 6 मई को आपको अपडेट कर लेनी है, 6 मई को एवरी ईयर जो है, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें, एट इट सिंबल ए लाइट ब्लू रिबन, ठीक है, ब्लू रिबन के माध्यम से, इट इज एन एनुअल सेलिब्रेशन बॉडी एक्सेप्टेंस इंक्लूडिंग फैट एक्सेप्टेंस एंड द बॉडी शेप डाइवर्सिटी। तो ये सारी चीज अपडेट है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द आरबीआई फॉर द प्रायोरिटी लेंडिंग बाई बैंक फॉर द कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, कोविड-19 का सिलसिला तो अभी चल ही रहा है, और ये काफी बड़ी महामारी है, पूरे वैश्विक पटल पे ये संक्रमण छाया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी ऑलरेडी जो है, अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो इन्होंने लगभग ई ऑप्शन पे आपको जाना होगा, 50,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट की गई है कोविड-19 के लिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे ममता बनर्जी की बात आएगी, चूंकि अभी चुनाव हुए थे, आप सबको पता है, और चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो ममता बनर्जी हैज सोन एज द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फॉर द विच टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े, तो मैं आपको बता दूं, ये टोटली हैट्रिक हो चुकी है, थर्ड टाइम इनकी विशेष जीत हुई है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, जहाँ पे S&P, जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसके बारे में हम बात करते ही रहते हैं, हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट एट व्हाट इज द परसेंट क्राइटेरिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020, 9.8, 10.0, 11.2, 12.3, 13.5। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर, तो मैं आपको बता दूं, एक रेटिंग एजेंसी S&P रेटिंग एजेंसी जो है, वो यहाँ पर 9.8% के साथ ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, इंडिया की GDP की बात की गई है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द जर्नलिस्ट एज द फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिक्लेयर्ड जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट को जो है ऑलरेडी फ्रंट लाइन वॉरियर्स में शामिल किया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान या तमिलनाडु, वो कौन सा स्टेट है? तो क्वेश्चन नंबर फाइव पे मैं आपको बता दूं कि वहां पर सी जो ऑप्शन है वो आपको लेना है, ये है ओडिशा की बात दोस्तों। ओडिशा में जो है ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जर्नलिस्ट को भी जो है फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर के तौर पे देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे पहुंचे, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज असम्ड द चार्जेस ऑफ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर इन द THDC इंडिया लिमिटेड। THDC इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखिएगा इसका नाम, रौनक सिंह, विनोद कुमार, रणजीत सिंह, विजय गोयल या फिर तरुण वर्मा। तो यहां से आपका अपडेट क्या होगा?
ठीक है, आप लोग कमेंट्स करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, अपना आंसर यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी यहाँ पे लाइव है वो आप लोग अपना आंसर बिल्कुल बताने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए दोस्तों। ओके, सो जल्दी से जल्दी आप लोग टाइप कीजिएगा, जितना आपका फास्ट आंसर आएगा उतना बताने की ज़्यादा से कोशिश आपकी ज़्यादा। रहनी चाहिए दोस्तों। ओके, जस्ट वेट, तो मेरी साउंड तो प्रॉपर आ रही है, अगर ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव, सिक्स पे हमने जो बात किया था हुमंग द फॉलोइंग एज्यूम द चार्जेस ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मैंने ऑलरेडी बताया था कि चेयरमैन और मैनेजिंग लेवल के व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं, तो टी एच डी सी की हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। तो मैं आपको अपडेट की ओर लेके जाना चाहूंगा कि इसका अपडेट क्या होना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स, जहाँ पे हमारा राइट अपडेट हो जाएगा विजय गोयल, डी ऑप्शन आपको लेना है दोस्तों। ठीक है, टी एच डी सी इंडिया लिमिटेड हैज अनाउंस द विजय गोयल एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD। क्वेश्चन नंबर सेवन, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज नेम्ड द और आरुका वॉज ओपन इन विच कंट्री, या विच सिटी ये भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेवन पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बी ऑप्शन पुर्तगाल के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पर वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट जो सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण यहाँ से किया गया है। एंड एन क्वेश्चन नंबर एट, नेम द महात्मा गांधी फॉर्मर्स पर्सन सेक्रेटरी हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो महात्मा गांधी के जो ऑलरेडी सेक्रेटरी रह चुके हैं उनका नाम बताना है, हेमू, बीर, वी कल्याणम, कुंदीराम राम बोस, या फिर खुदीराम बोस है ये, या फिर जतींद्र नाथ दास। तो देखिए अलग अलग ऑप्शन हैं, और कुछ ऑप्शन तो ऐसे भी हैं जो व्यक्ति अभी है भी नहीं इस दुनिया में, उनके अभी नाम दिया हुआ है, तो आपको सोच समझ कर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर एट पर हमारा जो है ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, हम वी कल्याणम की बात करेंगे, तो ये है सी ऑप्शन महात्मा गांधी के सेक्रेटरी के तौर पर। हु विल बी ऑनर्ड विद द आइकोन अवार्ड एट द 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, BBMAS से जाना जाएगा, लेडी गागा, जेनिफर लोपेज, टेलर स्विफ्ट, रिहाना, या फिर पिंक। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर नाइन पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो ई होगा, पिंक। तो सिंगर पिंक इस नाम से जाना जाता है, ये उनका नाम है सिंगर पिंक। ठीक है, विल बी ऑनर्ड विद द आइकॉन अवार्ड एट द 2021, ठीक है, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, BBMAS। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल फर्स्ट ड्राई वैक्सीनेशन सेंटर वॉज इनोग्रेटेड बाई द MP राहुल शिवाले। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गांधीनगर, या फिर चेन्नई। तो ये बहुत खूबसूरत अपडेट आया है, मुंबई की ये विशेष पहल है, जहां पर आज आप लोगों ने न्यूज में अपडेट भी देखा होगा, अगर आप डेली न्यूज पेपर पढ़ते हैं उनके बारे में भी ये खबर आपको पढ़ने को मिला होगा, जहाँ पे आपकी मुंबई की खबर आई थी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है, खासतौर पे COVID-19 का, चूंकि यहाँ पर संक्रमण चल रहा है, तो वैक्सीनेशन सेंटर को जो है कहीं ना कहीं और भी अच्छी व्यवस्था देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। कुछ और भी क्वेश्चन है दोस्तों जहाँ पर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, एज पर द गोल्डमैन सैच व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम अपडेट आपको बताएं तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 11.1% के साथ में इस आंसर को आपको अपडेट कर लेनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन इज द वर्ल्ड अस्थमा डे। तो वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जाता है, लेकिन कब? तो ये जो अपडेट है आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर टू पर, जहां पर हम कहेंगे बी ऑप्शन फर्स्ट ट्यूसडे, ध्यान रखिएगा फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, मई का जो भी फर्स्ट ट्यूसडे होगा उसी दिन जो है वर्ल्ड लेवल पे अस्थमा डे मनाया जाता है। अस्थमा एक बीमारी है जिसके अवेयरनेस के लिए, जिसके जागरूकता के लिए इसको विश्व भर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जगमोहन मल्होत्रा की हम बात कर लेंगे, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट, झारखंड, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, असम, या फिर सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। एंड एन क्वेश्चन नंबर फोर, मार्क सेल्बी की हम बात करने जा रहे हैं, हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द फोर्थ टाइम,
ही एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? स्नूकर, बैडमिंटन, टेनिस, चेस या फिर कैरम? तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्नूकर। तो जाने माने स्नूकर चैंपियन के तौर पे इनका नाम याद रखा जाता है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मानस बिहारी वर्मा हु हैज पास्ड अवे? तो मानस बिहारी वर्मा जी के बारे में आप बताइए, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? जियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट या फिर एरोनॉटिकल साइंटिस्ट? तो आपको बता दें दोस्तों, प्रोफेशन प्रोफेशन जो है वो खास तौर पे मानस बिहारी वर्मा जी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पर ई ऑप्शन, वो जाने माने एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो जाने माने कौन थे? एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे। प्रोफेशन ऑफ मानस बिहारी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, विच डे ऑफ द ईयर ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ? तो देखिए, मिडवाइफ जो शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो मैं बता दूं आपको, ये एक खास तौर पे एक डे के तौर पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस पर बी ऑप्शन कहना है, एवरी ईयर 5 मई, 5 मई को। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइव्स मतलब ICM, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यही होता है उसका, सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई, ऑन 5 मई, 5 मई को। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन आर्मी फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड इन द विच सिटी? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ स्टेट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पे अपडेट करना है आपको सिक्किम। सिक्किम एक बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा जो है हमारा स्टेट है दोस्तों। सबसे पहले सिक्किम को कोई स्टेट बनाया गया था, बाद में सिक्किम फिर पूर्ण राज्य के तौर पे अस्तित्व में आया भारत का। ठीक है, तो ये जो स्टेट की बात की जा रही है वो है हमारा सिक्किम। ठीक है, इंडियन आर्मी फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी, ठीक है, ये प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे लॉन्चिंग की गई है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8, द थीम, यहाँ से देखिए थीम भी पूछा जा रहा है इसी इंटरनेशनल डे का 2021 का, जिसमें हमने अभी बात किया था डे ऑफ द मिड वाइफ इज। तो यहाँ पर चूंकि डे के साथ साथ आपको थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो थीम था इस साल का, मैं बता दूँ, फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिड वॉइस, ये इस साल का थीम था जिसको उद्देश्य के तौर पे रखा गया था। और इसकी पूर्ति आप जो है इसको एक लक्ष्य मानकर जो है इंटरनेशनल डे मनाया गया है मिडवाइफ्स का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज दैट लिस्ट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC बिलीव इन द सपोर्ट कैंपेन फ्रॉम इंडिया? पीवी संधू, सानिया नेहवाल, श्रीकांत, अश्वनी, चिराग शेट्टी। तो उस जाने माने व्यक्ति का नाम है पीवी सिंधु। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी है इनके बारे में बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मर श्रीलंका प्लेयर एंड द कोचेस हु हैज बीन बैंड फ्रॉम द ऑल क्रिकेट ऑफ 6 ईयर, तो 6 सालों के लिए इन पर बैन लगा दिया गया है, वो व्यक्ति का नाम बताना है, उस क्रिकेटर का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे अपडेट कर लीजिएगा दोस्तों, नुवान जोएसा, ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। इनके ऊपर अभी बैन लगा दी गई है ICC, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए अच्छे हैं। 10 प्लस 10, हमने लगभग अभी 20 क्वेश्चन अभी कंप्लीट किए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के बेसिस पे ये मॉक जो है MCQ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने रखे हुए थे। एक और हमारी क्लास है जिस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं, उसे हम लोग जल्दी अपडेट करते हैं। तो चलिए, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित तरीके से अनअकैडमी के साथ जुड़े रहिए, जहाँ पर ढेर सारे फ्री क्लासेस के साथ साथ आपको पेड कोर्स भी यहाँ पे मिल रहा है काफ़ी न्यूनतम प्राइस पे, जिसके लिए आप लोगों को इस कोड का यूज़ करना है। इस कोड का यूज़ कीजिए और जुड़िए अनअकैडमी के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी